शर्ट कुर्ती एंड कुर्ता सेट का हॉल वीडियो। फेस्टिवल सारे लाइनअप है, सबसे पहले रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा बहुत ही प्यारे एंड अमेजिंग कुछ पीस आपके साथ शेयर करती हूँ कुर्ती एंड कुर्ता सेट के। क्योंकि रक्षाबंधन में ना एथनिक वेयर ही स्टाइलिश लगते हैं, मतलब मुझे लगता है कि फेस्टिवल में एथनिक वेयर ज्यादा बेस्ट रहते हैं बजाय वेस्टर्न वेयर के। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पीस सेलेक्ट करूंगी जो कि रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहेंगे, सारे एक से बढ़ के एक है। और जब मुझे मिले ना, मैंने खुद चूज नहीं कर पाई कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं कौन सा स्टाइल करूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा पसंद आएगा। एंड ये सभी फैशोर से हैं, फैशोर के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है फैशोर की। काफी अच्छा ब्रांड है कुर्ती एंड कुर्ता सेट का, प्राइस अफोर्डेबल होती है, साथ में ना यहाँ पे आपको अंडर 1000 स्टोर भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो फैशोर की कुर्ती एंड कुर्ता सेट आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनका न्यू कलेक्शन परचेज करना चाहते हैं ना, तो वो आप इनकी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहां पे आपको इनका कंप्लीट न्यू कलेक्शन मिलता है एंड यहाँ पे आपको ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी मिल जाती है। यहाँ पे आपको COD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग अवेलेबल है, प्लस फास्ट शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं फैशोर की वेबसाइट से, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी यहाँ पे, इससे आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने ऑर्डर्स पे। तो जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। प्लस इनकी जो ओरिजिनल प्राइस है और डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि 5% के बाद जो प्राइस है ना, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि 5% के बाद आपको ये कितना पड़ेगा मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे कलरफुल से सूट से, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग रहेगा इस रक्षाबंधन पे। ये मुझे देखते ना बहुत कलरफुल वाइब दे रहा था एंड इतना प्यारा ये, मतलब पूरा आप ये मान सकते हो वन पीस है, पूरी एक गाउन टाइप है एंड ये आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे ना पूरा एक गोटा वर्क जो किया हुआ है, गोटा जरी वर्क, ये काफी अच्छा लग रहा है एंड ये काफी रॉयल भी लग रहा है। ये टाई एंड डाई में कलरफुल है, यहाँ पे आपको इसमें 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाती है, स्लीव्स पे भी सेम पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है। बीच बीच में ना इसमें गोल्डन फॉइल प्रिंट भी दिया हुआ है, लेकिन फैशोर की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और ये हैवी पीस है, ऐसा तो है नहीं आप डेली में वॉश करोगे तो नहीं जाएंगे, आप डेफिनेटली इसे स्टाइल कर सकते हो। एंड ये कुछ इस तरीके की आपको फुल लेंथ में कुर्ती देखने को मिल जाती है, इसके साथ कोई भी बॉटम या दुपट्टा नहीं मिलता है। अगर आप है ना दुपट्टा स्टाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी ये इस तरीके की ड्रेस है। यहाँ पे आपको ना बेल्ट वाला पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसका जो फैब्रिक है ना, क्रेप और रेयॉन मिक्स फैब्रिक है। इसमें जो मैंने साइज लेना चाहती थी, मैं मीडियम लेना चाहती थी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने स्मॉल साइज लिया। मैंने कहा बाद में एक्सचेंज करा लूंगी, लेकिन एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद, तो आप देख लेना फुल लुक से। बाकी ओवरऑल ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारी है। और अब आते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है ना, ऑलरेडी मैंने आज पहना हुआ है, मैंने सोचा यार इसी को पहन के मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था मुझे ये वाला आउटफिट, कुछ डिफरेंट है। एंड इसका जो पैटर्न है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा। इसका बॉटम ये ना काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पटियाला टाइप है, नीचे है ना आपको कॉटन की इस तरीके की आपको जो है बॉटम देखने को मिल जाएगी, पटियाला टाइप इलास्टिक वाला है एंड नीचे बहुत प्यारा, मुझे ओवरऑल ड्रेस ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है बहुत कम्फर्टेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट में है कलर में। और यहाँ पे आपको जो सिक्वेंस का पैटर्न दिया हुआ है ना नेक पे, काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड रॉयल लुक दे रहा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस हो जाएगी अगर आप स्टाइल करते हैं कोई भी फेस्टिवल में या रक्षाबंधन में। यहाँ पे आपको इस तरीके की बेल स्लीव्स काइंड ऑफ स्लीव्स देखने को मिलेगी और पहनने के बाद तो मैं क्या बताऊँ, ये इतना कंफर्टेबल है पूरा ओवरऑल जो ये ड्रेस है, क्योंकि ये प्योर कॉटन फैब्रिक में है और इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। तो आप अपने से एक बड़ा साइज परचेज करना, क्योंकि हो सकता है हल्का सा वॉश करो तो श्रिंक वगैरह हो जाए, बाकी क्वालिटी एंड डिजाइन ऐसा है जल्दी से नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट है ना, मैंने ये कुर्ता सेट जब देखा फैशोर पे, यार इस पे मेरा दिल आ गया कि इतना प्यारा नियॉन कलर का कुर्ता सेट है और इस पे जो एक कलरफुल एम्ब्रॉयडरी एंड काइंड ऑफ ये जो ये फ्लावर बनाए हुए है ना, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट पीस लगा यार मुझे ये, तो मैंने तो देखते ही परचेज कर लिया। एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस है, ओवरऑल कुर्ता सेट ही बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको इस तरीके की नेक देखने को मिल जाती है,
यहाँ पे ना कलरफुल जो पर्ल है, सिक्वेंस है, उनकी हल्की सी डिटेलिंग की हुई है एंड कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा मतलब सोवर है लेकिन स्टाइलिश बहुत है। एंड ये ना इसका जो फैब्रिक है प्योर कॉटन फैब्रिक है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी लाइनिंग आप देख रहे हो ना, ये जरी के थ्रेड से डाली हुई है इसमें। इसकी आप स्लीव्स देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब 3-4 स्लीव्स आएगी। आगे आपको गैदरिंग वाला पैटर्न दिया हुआ है और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो ये ऑरिएंटल सिल्क फैब्रिक है और इसके ऊपर एक कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की हुई है। मतलब पूरा ओवरऑल ये सूट ही बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, मैंने आज तक ऐसा पीस कहीं नहीं देखा था, तो देखते ही मैंने इसे परचेज कर लिया। एंड नीचे का जब आप पार्ट देखोगे ना वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी पैटर्न देखने को मिलता है, साथ में ये कलरफुल जो रोज बनाए हुए हैं ये ऑरेंजर सिल्क फैब्रिक से इन्होंने बनाए हुए हैं और बीच में ना यहाँ पे आपको पर्ल डाले हुए हैं। यहाँ पे आपको मुझे ना इस तरीके के बड़े सिक्वेंस भी देखने को मिल जाएंगे, पर्ल भी देखने को मिल जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी भी है। तो ओवरऑल इस सूट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ में आपको मिल जाती है इसमें इलास्टिक वाली पैंट, ये स्ट्रेट पैटर्न में देखने को मिलेगी और नीचे इस तरीके का कलरफुल वही पैटर्न दिया हुआ है। जैसे कलरफुल इसमें पूरा वर्क दिया हुआ है तो कलरफुल दुपट्टा इन्होंने रखा है, लेकिन प्लेन रखा है लेकिन पूरा प्रिंटेड इस तरीके का कलरफुल दुपट्टा इन्होंने रखा है जो कि बहुत ज्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा एंड पूरे पे आपको इस तरीके का रोज पैटर्न दिया हुआ है और ऑरेंजर सिल्क फैब्रिक में है पूरा 2.25 मीटर का। तो ओवरऑल मुझे ये सूट है ना बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था एंड इतना अमेजिंग है, पहनने के बाद है ना इस रक्षाबंधन पे बहुत सुंदर लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। मुझे ना लगता है बंदेज और जो चुनरी पैटर्न होता है उसका कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है वो कुर्तीज। तो जब मैंने फैशोर पे एक कुर्ती देखी, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी लगेगी इस रक्षाबंधन में अगर आप स्टाइल करते हो तो। ये प्योर कॉटन फैब्रिक में है और इसमें ना यहाँ पे आपको थोड़ा वो सलवट वाला जो डिज़ाइन होता है ना वो देखने को मिल जाएगा और फॉइल मिरर का वर्क देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रंट में। तो ना इसमें मुझे अपना साइज मिला नहीं था तो शायद ये ना एल मैंने लिया है, हाँ एल लिया है। मैं आपको ना इसे पिनअप करके पहन के बता दूंगी, लेकिन है ना अभी आपको इसमें सारे साइज अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको लेना हो। राउंड नेक है, 3-4 स्लीव्स है और यहाँ पे स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी फॉइल मिरर की प्लस एम्ब्रॉयडरी की। ओवरऑल इस कुर्ती को आप स्टाइल कर सकते हो व्हाइट कलर की डेनिम के साथ, व्हाइट लेगी के साथ, किसी के साथ भी स्टाइल करना हो और थोड़ा और हैवी लुक क्रिएट करना है तो आप साथ में इसके व्हाइट दुपट्टा स्टाइल कर लो, वो भी और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये तो है ना अभी आप देखोगे ना मैंने इस टाइप के बहुत सारे कुर्ती कुर्ता सेट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ये एक सेलिब्रिटी स्टाइल कुर्ता सेट था लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा क्योंकि यहाँ पे ना मुझे साथ में एक कॉटन का इसमें जो है बंदेज वाला दुपट्टा भी मिला जो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला जब मैंने इसे इस कुर्ती को और भी जगह देखा। और यहाँ की क्वालिटी तो यार है ही बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये प्योर कॉटन में कुर्ती आएगी साथ में दुपट्टा आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी इसमें देखने को मिल जाएगी और फॉइल मिरर का काम इसमें दिया हुआ है। ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में है पूरी कुर्ती, 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी यहाँ पे आपको इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, फॉइल मिरर का काम देखने को मिल जाएगा। आप एक बार क्वालिटी पास से देख लो, एक भी थ्रेड नहीं निकल रहा है पूरी कुर्ती में से, फिनिशिंग क्वालिटी सुपर्ब है। तो इस तरीके की कुर्ती आएगी, मीडियम साइज मैंने इसमें लिया है, बैक एकदम प्लेन आएगा और इसके साथ स्टाइल करने के लिए इन्होंने ना ये दुपट्टा दिया है जो कि इस तरीके का कोटा डोरिया में पूरा दुपट्टा है बंदेज में ब्लैक कलर का, पूरा बड़ा दुपट्टा है 2.25 मीटर का पूरा दुपट्टा है और साथ में ना टैसल दिए हुए हैं और पल लगाए हुए हैं। तो ओवरऑल ये कुर्ती और दुपट्टा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्टाइलिश लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पीस जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कलर भी डिज़ाइन भी। ये स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर के पैटर्न में कुर्ती है जो कि कुछ इस तरीके की कुर्ती आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें ना रियल मिरर का काम किया हुआ है, साथ में एम्ब्रॉयडरी पैटर्न है, लेस पैटर्न दिया हुआ है और नेक इसकी कुछ इस तरीके की है। लुक एट दिस, ये पैटर्न में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। व्हाइट कलर की जीन्स हो, व्हाइट कलर की लैगी हो, उसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो और ये बीच में आप मिरर देख रहे हो ना, ये रियल मिरर है
और ये वाला जो पैटर्न है वो लेस पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है नेक पे। 3/4 स्लीव्स आएगी, स्लीव्स पे भी आगे आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और ऑरेंजर सिल्क फैब्रिक में पैटर्न है, साथ में एम्ब्रॉयडरी का इसमें काम किया हुआ है जो कि बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो इस तरीके की ये कुर्ती है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती जो कि मैंने ली है। ये कॉटन फैब्रिक में है, ये बिल्कुल प्लेन कुर्ती है लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप फेस्टिवल में स्टाइल करते हो तो फेस्टिवल में कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको इसमें राउंड नेक देखने को मिल जाती है, ये छोटे वाला रफल पैटर्न दिया हुआ है इसमें नेक पे। पूरी कुर्ती प्लेन है लेकिन इसकी स्लीव्स है ना बहुत अच्छी है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी इसकी स्लीव्स। और ओवरऑल कुर्ती प्लेन देखने को मिल जाएगी और नीचे भी इस तरीके का बॉर्डर है, बैक बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने मीडियम साइज परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो। इस कुर्ती को आप स्टाइल कर सकते हो कोई भी डेनिम के साथ, ब्लू कलर की या रेड कलर की लेगिंग के साथ, पैंट के साथ, किसी के साथ भी। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे, सिंपल सोबर स्टाइलिश, एंड इसको पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये थे कुछ आइटम जो कि मैंने अब की बार परचेज की हैं एंड सारे एक से बढ़ के एक हैं। क्वालिटी को लेके आपको किसी में भी कोई भी इशू नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है फैशोर की। एंड मैंने जब जब फैशोर से परचेज किया है ना और जब ये भी जहाँ भी पहना है तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। तो आप इनमें से कुछ भी बाय करते हो तो आप कर सकते हो, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड हाँ, मैं तो चूज कर नहीं पाई हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ आपकी चॉइस क्या है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।